बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति योगा या एक्सरसाइज करता है तो उस समय बॉडी के पोस्चर पर बहुत ध्यान दिया जाता है। ठीक इसी तरह हमारे सोने की पोजीशन का भी हमारी सेहत पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का असर पड़ता है, खास तौर पर हमारे पाचन तंत्र पर और हमारे दिमाग पर। आखिरकार सोने की सही पोजीशन क्या है? कुछ लोग अपनी बाएं हाथ की तरफ करवट लेकर सोते हैं, कुछ लोग दाईं तरफ, कुछ लोग पीठ के बल तो कुछ लोग पेट के बल। इन सभी पोजीशंस का हमारी सेहत पर अलग अलग असर होता है। सभी जानते हैं कि एक अच्छी गहरी नींद लेने से हम एनर्जेटिक फील करते हैं और गहरी नींद से दिन की थकान पूरी तरह खत्म हो जाती है। लेकिन जितनी ज्यादा जरूरी है गहरी और लंबी नींद है, उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारी सोने की पोजीशन भी मानी जाती है। आज 70% से भी ज्यादा लोग सोने के सही तरीके को नहीं जानते। गलत तरह से सोने पर गर्दन, कमर और कंधे में दर्द शुरू होना, पाचन की गड़बड़ी होना, दिन भर आलस रहना और सुबह पेट ठीक तरह से साफ ना होना, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और हमारे दिल की सेहत पर भी हमारे सोने के तरीके का काफी असर होता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे सोने की पोजीशन का हमारी स्किन और बालों पर भी बहुत असर होता है। पेट के बल सोना सबसे हानिकारक माना जाता है, खास तौर पर अस्थमा के मरीजों के लिए, क्योंकि इस पोजीशन में हमारे पेट के साथ साथ हमारे फेफड़ों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से सोते समय सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। पेट के बल सोने पर हमारी रीढ़ की हड्डी पर भी जोर पड़ता है, इसलिए जो लोग ज्यादा पेट के बल सोते हैं उन्हें धीरे धीरे बैक पेन की समस्या भी शुरू होने लगती है। और साथ ही साथ पेट के बल सोना हमारी पाचन क्रिया के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा राइट साइड यानी कि दाहिने हाथ रखकर सोना भी ठीक नहीं माना जाता। अगर हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम पर नजर डाली जाए तो आप देखेंगे कि पेट शरीर के लेफ्ट साइड की ओर होता है और साथ ही हमारा दिल भी बॉडी के लेफ्ट साइड होता है। दाईं तरफ सोने से हमारे डाइजेशन प्रोसेस में काफी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से हमारा पेट नेचुरल प्लेस से ओपोजिट डायरेक्शन में प्रेस होने लगता है। लंबे समय तक दाएं तरफ करवट लेकर सोने से पेट में मौजूद फूड भी ओपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगता है, जिससे खाए गए खाने को पर्याप्त मात्रा में पाचक रस नहीं मिल पाते और एसिडिटी, खट्टे डकार, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आप पीठ के बल यानी कि सीधे सोते हैं तो यह इतना गलत नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड करवट लेकर सोना सबसे आइडियल पोजीशन मानी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मात्र एक सोने की पोजीशन चेंज कर देने से हमारी सेहत में कितने कमाल के फर्क आ सकते हैं? चाहे आयुर्वेद हो या मेडिकल साइंस, हर जगह बाएं तरफ करवट लेकर सोने को ही आइडियल माना जाता है, क्योंकि बाएं तरफ सोने से ना सिर्फ हमारा पाचन बेहतर होता है बल्कि यह हमारे दिल, दिमाग, त्वचा और बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस के लिए भी अच्छा माना जाता है। बाईं तरफ सोने से कई तरह की बीमारियां और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में तेजी से सुधार आने लगता है। आज काफी लोग इससे होने वाले फायदों से पूरी तरह अनजान हैं और कई लोगों के लिए रोंग साइड सोना काफी गलत आदत बन चुकी है। आइए जानते हैं हमें बाएं तरफ करवट करके क्यों सोना चाहिए और बाएं तरफ करवट करके सोने से हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं और साथ ही साथ गलत पोजीशन में सोने की आदत को जल्द से जल्द कैसे सुधारा जा सकता है। लिम्फेटिक सिस्टम। ज्यादातर लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में खून को लाने और खून को ले जाने के लिए दो तरह की नसें होती हैं। पहली आर्टरीज यानी कि धमनियां, जो लाल रंग की होती हैं, और दूसरी वेन्स जो कि हरे रंग की होती हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा भी हमारे शरीर में एक और प्रकार का नाड़ी जाल होता है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इन नसों में खून नहीं बल्कि एक प्रकार का तरल पाया जाता है, जिसकी मात्रा 17 लीटर होती है। यह तरल हमारी आर्टरीज और वेन्स से निकलता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा हमारे खून में मिला दिया जाता है। अगर शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम ठीक तरह से काम ना करे तो हमारी बॉडी में पानी भरने लगता है, पैरों में सूजन आ जाएगी, शरीर में इन्फेक्शन ज्यादा होने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। लिम्फेटिक सिस्टम में कई तरह के पौष्टिक तत्व और विषैले पदार्थ दोनों मौजूद होते हैं। नसों के बीच बीच में रेखाएं होती हैं, जिन्हें नोड्स कहा जाता है, और हमारे तरल में जितने भी ज्यादा खराब पदार्थ होते हैं उन्हें खत्म करने का काम ये लिम्फ नोड्स ही करती हैं, जिससे हम बीमारियों, इन्फेक्शन, त्वचा रोग और कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोने से लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा रहता है, खून में मौजूद विषैले पदार्थ जल्दी खत्म होते हैं, यह हमारी बॉडी से टॉक्सिन ज्यादा बेहतर तरीके से बाहर निकाल पाता है।
लेफ्ट साइड सोने से हमारा पाचन भी सही तरीके से काम करता है, क्योंकि इस पोजीशन में हमारा भोजन छोटी आंत की मदद से बड़ी आंत में जल्दी से जा पाता है, जिसकी बदौलत सुबह उठते ही पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है। क्योंकि हमारा पेट बॉडी के लेफ्ट साइड होता है, इसलिए लेफ्ट साइड सोने से भोजन में सभी डाइजेस्टिव जूसेस अच्छी तरह से मिल पाते हैं और पैनक्रियाज को काम करने में भी आसानी होती है। उल्टे हाथ की बजाय सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर सोना ठीक उसी तरह से है जिस तरह से किसी व्यक्ति को उल्टा सर के बल लटका दिया जाए। ऐसे में ना तो भोजन पचता है और ना ही छोटी आंत से बड़ी आंत में अच्छे से ट्रैवल कर पाता है। हमारा दिल भी शरीर के लेफ्ट साइड में ही मौजूद होता है। लेफ्ट साइड सोने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। खास तौर पर जिन लोगों को दिल की बीमारी हो उन्हें हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेकर ही सोना चाहिए। बैक पेन, जिन लोगों को अक्सर कमर में दर्द रहता है उन्हें ज्यादा से ज्यादा उल्टी और ही करवट लेकर सोना चाहिए। लेफ्ट साइड सोने से हमारी रीढ़ की हड्डी पर जोर कम पड़ता है और साथ ही साथ बैक मसल्स भी रिलैक्स होते हैं। बाएं करवट लेकर सोते समय हमारे पाचन के साथ साथ ब्लड प्रेशर और सभी अंदरूनी अंगों तथा नर्वस सिस्टम अच्छी तरह काम करते हैं। जिन लोगों की सोते समय सांस फूलने लगती है और जो लोग खराटों से परेशान रहते हैं उन्हें लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ आसान टिप्स के बारे में जो कि लेफ्ट साइड सोने में आपकी मदद करेंगी। सबसे पहली बात है कि आपको रात में हैवी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने से हमें नींद अच्छे से नहीं आती और साथ ही साथ हम सोने की एक कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढते हैं। ज्यादातर डॉक्टर्स प्रेग्नेंट महिलाओं को लेफ्ट साइड करवट लेकर सोने की सलाह देते हैं, क्योंकि ना तो सिर्फ इससे ब्लड सर्कुलेशन में असर पड़ता है लेकिन कमर, पीठ और रीढ़ की हड्डी में भी जोर कम पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के गर्भाशय का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर के दूसरे अंगों यानी कि लीवर और किडनी आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। लेफ्ट साइड करवट लेकर सोने से एसिड की प्रॉब्लम में कमाल के फर्क नजर आते हैं। एसिडिटी, छाती जलन, पाचन में गड़बड़ी होने पर लेफ्ट साइड करवट लेकर ही सोना चाहिए। लेफ्ट साइड सोने की आदत अपनाने के लिए अपने राइट साइड तकिया रखें। ऐसा करने से अपने शरीर को करवट लेने से आप रोक सकते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ पिल्लो हमें नींद में पलटने से रोकता है। धीरे धीरे हमें लेफ्ट साइड सोने की आदत पड़ जाती है। इसके अलावा आप अपने राइट साइड में हल्की सी लाइट भी जगा सकते हैं। अगर हमारे राइट साइड में लाइट होगी तो हमारा दिमाग हमें लेफ्ट साइड करवट लेने के लिए मजबूर करेगा। आप चाहें तो अपने सोने की पोजीशन को भी बदल सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी सोने की पोजीशन बदलते हैं तो इससे भी आपकी राइट साइड सोने की आदत बदली जा सकती है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को अपना कर आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हम अपने सोने की पोजीशन में चेंज कर अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आज का ये हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो इस वीडियो का फायदा उठा सकें। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।